तो बच्चों सब लोग हमारी बात सुनने के लिए तैयार हो? वेरी गुड। देखो मेरा नाम है रोहन, ये मोहनीस साहब है। हम लोग यहाँ पर आए हैं आपसे कुछ इंटरेक्शन करने बात लेके, आपके करियर, आपकी पढ़ाई, आपके जीवन को लेके। ठीक है? ओके। अच्छा पहले आपने नाम देखा क्या लिखा हुआ है? स्पीक आउट। हमारी कंपनी का नाम, हमारी संस्था का नाम है स्पीक आउट सॉल्यूशंस। ठीक है ना? स्पीक आउट का मतलब क्या होता है? जो हमारे अंदर भावनाएं या बातें हैं उसको बाहर निकालना। ठीक है ना? बोलना मतलब दबना नहीं, किसी के किसी कारण से, किसी भी सोच से अपनी बन की बातें छुपाना नहीं, बल्कि बोलना। तो क्या नाम है हमारी संस्था का? बिल्कुल ठीक है। तो बेटा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है हमारी लाइफ में? हमारी पढ़ाई। ठीक है ना? क्यों इम्पोर्टेंट होती है? क्योंकि जब हम लोग पैदा होते हैं और समाज में आते हैं, अगर सिस्टमेटिक तरीके से हम लोग काम नहीं करते, तरीके से अपना पढ़ाई लिखाई नहीं करते, तो हमें आदर नहीं मिलता समाज में। इसीलिए स्कूल आ रहे हैं ना, कि हमको आदर मिले, सम्मान मिले, लोग हमारी इज्जत करें। यही होता है। तो हर एक को तो नहीं मिल पाती, लेकिन उसके बाद भी एक ही क्लास में कुछ बच्चे फर्स्ट आते हैं, कुछ बीच में रहते हैं और कुछ फेल भी आते हैं। तो रीज़न क्या है इसका? देखो मेरे को एक चीज़ लगती है कि कोई बच्चा बेवकूफ़ तो नहीं है, क्योंकि सारे इंसानों का दिमाग भगवान ने एक जैसा बनाया है। ठीक है ना? तो अब क्या कारण है वो एग्जाम में पास नहीं हो रहा या क्लास में नहीं अच्छा परफॉर्म कर पा रहा, उसका मेजर रीजन क्या है? उसका मेन रीजन एक ही है कि या तो हम ध्यान से सुनते नहीं है, या हम सवाल पूछ नहीं पाते। यही है ना भाई? अगर हमें कोई समस्या आ रही है, हमने पूछी ही नहीं, तो क्या होगा? हल नहीं निकला। अब वो टाइम तो निकल गया, टीचर ने सवाल पूछा, कौन बताएगा? किसी ने हाथ खड़ा नहीं किया, या दो चार बच्चों ने आगे हाथ खड़ा किया, बाकी पीछे यूं झुक के बैठ गए। घंटा निकल गया, छुट्टी हो गई। एग्जाम में आया, गलत आंसर दे दिया, लेकिन 100 नंबर है, कहीं नंबर कटे, कहीं मिल गए, मिलजुल के पास हो गए। जब वो समस्या आती है रियल जीवन में, कहीं नौकरी करने गए, कहीं प्रोफेशन में गए, और फिर वो सवाल आया, तो हम क्या करते? भागते उसे। इन चीज़ों से क्या होता है कि हम डिग्रेड होते हैं, हमारा जो लेवल होता है कम होता है, हमें डर लगता है, हम अपने से डरने लगते हैं। तो क्या कहते हैं, ये दिखाने की बजाय कि हमें नहीं पता है, हम छुपाते हैं। ऐसे ही होता है ना? क्योंकि हम अगर बता दें कि नहीं आता, तो कौन लोग मजाक उड़ा दें, कोई टांग खींच ले, तो कहते हैं हम बताएंगे ही नहीं। सवाल पूछा तो गुस्सा होकर बैठ गए, हमें बोलना ही नहीं है, एक्चुअली पता ही नहीं है। तो ये जो छुपाव होता है क्यों? क्योंकि हमें झिझक एक चीज़ की होती है कि हम सबके सामने आके बोल नहीं पाते। ऐसे ही है ना? अभी यहाँ पर देखो आप लोग कम से कम 200-250 बच्चे बैठे हो, अगर हम किसी बच्चे को कह दें यहाँ के बोलो, तो एक बार वो सोचेगा क्या बोले। कुछ बच्चे होंगे जो बोल लेंगे, कुछ होंगे जो झिझकेंगे, और कुछ होंगे जो एकदम पसीना पसीना हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो झिझक अंदर भरी हुई है। अगर वो झिझक दूर हो जाए, अगर हम अपने सवालों को ढंग से पूछ पाए, तो क्या होगा? तो हमारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। है ना? ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं, एक बात बताओ, यहाँ पर कोई बच्चा ऐसा जिसको बोलने से डर लगता हो? किसी को बोलने से डर लगता ऐसा है कि यहाँ आके बोलने में डरता है? कौन है? कोई हाथ उठाए, कोई भी हाथ उठा दो यार। देखो सारे डर तो रहे हैं। आप आओ, हाँ आप सबसे लास्ट में आइए, आप आओ, बाहर आओ, आओ बेटा आ जाओ। ये डर होता है, ठीक है ना, कि इतने सारे लोग बैठे हैं, एक ही क्लास के हैं, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हो रही आगे आने की। हम कोशिश इसी को दूर करने कर रहे हैं, ठीक है ना? हम स्पीक आउट प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं, इसी के लिए कर रहे हैं कि जो बच्चे हैं वो खुल के बोले और सामने आके बात करें। कभी आपने कोई यहाँ से दिल्ली गया है? दिल्ली मुंबई कोई गया हुआ बच्चा? कौन गया हुआ? हाथ उठाओ। फिफ्थ का, सिक्स का बच्चा भी ना सीधे आ जाता सामने और आके बात करता है। जबकि हम जब पूर्वांचल में, इवन कानपुर गए थे, कानपुर तो थोड़ा यहाँ से डेवलप है, बच्चे आप मतलब स्टेज पर आना डरते हैं, और यही रीज़न है वो मेट्रो सिटीज़ हैं और यहाँ पर हम लोग थोड़ा पीछे हैं। पढ़ाई में कोई अंतर नहीं है, लगभग सिलेबस हर स्कूल में सेम है, ठीक है? चाहे CBSE बोर्ड हो, UP बोर्ड हो, ICSE बोर्ड हो, सिलेबस सेम है। होता क्या है कि हम अपने सवाल पूछ ही नहीं पाते और हम पीछे रह जाते हैं। आजकल के टाइम पे इंटरनेट का टाइम है, हर चीज़ सोशल है, टिकटॉक तो देखा होगा लोगों ने। क्या कर रहे हैं उसमें? हम अपने को एक्सप्रेस कर रहे हैं ना, अपने वीडियोज डाल रहे हैं, या और लोग जो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि अपने को हम दुनिया में सोशल कर रहे हैं। और कौन नहीं कर पा रहा है? जिसको डर है।
अब उसमें से कई लोग ऐसे होते हैं कि जिन्होंने अपने एक्सपीरियंस को, जिन्होंने अपने एक्सपर्टाइज को बाहर दिखाया और उनको अच्छा नाम मिल गया, है ना। अभी यहाँ टिकटॉक मेला भी लगा होता है ना मोनिश, लगने वाला है, तो जो यहाँ के जो टिकटॉक के स्टार्स है वो आएंगे, तो वो कोई हीरो नहीं थे लेकिन बन गए, क्यों? एक्सप्रेस कर पाए अपने आप को। तो बेटा बस यही हमारा कंसेप्ट है कि आपके करियर में, आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, टीचर बनना है, कैसे बनना है नहीं पता, या क्यों बनना है, इसलिए क्योंकि मेरे पापा ने कहा है, मेरे टीचर ने बोला है, मेरा दोस्त कर रहा है, यही होता है ना। अधिकतर लोग अपना करियर वो चुनते हैं जो उन्होंने कॉपी किया होता है, या तो अपने टीचर्स को देखा हुआ है, घर वालों को, या किसी ने बोला हुआ है। बहुत कम होते हैं जो करियर को चुनना चाहते हैं कि मुझे ये करना है, और उसमें से बहुत सारे लोग कर नहीं पाते हैं। आप तो गर्ल्स हैं, आपको तो बहुत समाज में दिक्कतें आती हैं कि घर वाले ये नहीं करेंगी लड़कियां, ऐसा हो जाता है। तो बहुत से होंगे फैशन डिजाइनर बनना चाहती होंगी लड़कियां, है ना, कोई चाहता है फैशन डिजाइनर बनना या सिंगिंग या डांसिंग, घर वाले कहते हैं नहीं करना है, होता है ना। तो दैट मीन्स आपका करियर तो खत्म हो गया, और वो क्यों? क्योंकि आप उनको समझा ही नहीं पाए कि ये अच्छा क्यों है, यहाँ इसमें कैसे अच्छे हैं। अगर आप उन्हें समझा पाओ तो शायद वही लोग तैयार हो जाएं। कन्विंस करना भी तो जरूरी है ना चीज़ों को। तो हम क्या कहते हैं, डर के सहम के बोल ही नहीं पाते हैं, ये हमारा पूरा कंसेप्ट है। समझ में आया? अच्छा, कौन है जो यहाँ आके बोलने में नहीं डरता है? आओ तुम एक बार आओ। तुम्हारा क्या एम है लाइफ का, तुम क्या बनना चाहती हो? सर मैं सिंगिंग हमारी हॉबी है, मैं सिंगर बनना चाहती हूँ, बट हमारी फैमिली नहीं चाहती है, वो चाहती है मैं कुछ बहुत बड़ा करूँ, जैसे मैं DM, SDM, डॉक्टर या बहुत बड़ा। अच्छा देखो एक चीज़ और, पहले तो क्लैप करो इनके लिए, ताली दो बेटा। उठ के खड़े होके बोलना बहुत बड़ी बात है, अगर आप उठ के खड़े होकर नहीं बोलोगे तो आपको मुश्किलें हैं। ये चाहती है सिंगर बनना, लेकिन कहती है फैमिली वाले कहते हैं सपोर्ट नहीं करते हैं। क्या आपको किसी अच्छे डॉक्टर का नाम पता है, बहुत बड़े डॉक्टर का नाम? हाँ। बताइए। मतलब कौन, जो MBBS की? हाँ, कोई भी जो डॉक्टर जानते हो आप। मेरे पापा भी डॉक्टर ही हैं। नहीं नहीं ठीक है, बिल्कुल होंगे, आई एम जस्ट आस्किंग, बताइए किसी का नाम बताइए आप, कोई डॉक्टर, बड़ा डॉक्टर, पॉपुलर डॉक्टर, नामी डॉक्टर, याद नहीं आ रहा। इन्हें लता मंगेशकर का नाम सुना है? सिंगर है, सब जानते हैं। तो बहुत बड़ा तो मतलब सिंगर बहुत बड़ा है, डॉक्टर तो छोटा हो गया, जानते ही लोग उसे। तो बेटा होता क्या, हम किस स्टेज पे पहुंच रहे हैं उस तरीके से आपका ऑक्यूपेशन आपको नाम देता है, ठीक है। तो आप कन्विंस कर सकते हो कि मम्मी लता मंगेशकर तो हर गली में लोग जानते हैं, लेकिन और आजकल सिंगर तो बहुत सारे हैं, लेकिन डॉक्टर को तो नहीं जानते हैं। तो बड़ा छोटा नहीं, लेकिन हाँ बिल्कुल मुश्किलें हैं, घर वाले कहते हैं सेट करियर नहीं है। बैठिए, थैंक यू। और कोई? अच्छा भाई कौन है? हाँ बोलो, क्या बनना चाहते हो आप? डॉक्टर। डॉक्टर बनना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि हम बड़े होकर समाज के लिए और किसी के लिए भी कुछ कर सकते हैं। तो अच्छी बात है। ये डॉक्टर बनने का दिमाग में कैसे आया? हमारी स्टडीज मतलब पढ़ाई करने का एक एम होता है कि हम सोचते हैं हमें क्या करना है, तो करियर अपना। बहुत बढ़िया। कौन सा डॉक्टर बनना है बेटा आपको? मुझे हार्ट का। हार्ट का सर्जन? अच्छा, और कितने लोग हैं जो डॉक्टर बनने की सोच रहे हैं यहाँ पर? एक, दो, तीन, चार, और कितने हैं? डॉक्टर तो बहुत सारे थे। ठीक है बैठिए, आप क्लैपिंग करने के लिए यार, जल्दी जल्दी, अलग ऑप्शन, डॉक्टर के अलावा डॉक्टर हो गया, सिंगल हो गया। हाँ बोलिए आप। मैं पुलिस बनना चाहती हूँ। क्यों बेटा, पुलिस क्यों बनना चाहते हो? क्योंकि मेरी बचपन से हॉबी है पुलिस बनना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। पुलिस में क्या? पुलिस में जैसे, पुलिस में तो बहुत सारी पोस्ट होती हैं, पुलिस में क्या? आपका नाम क्या है? पिंकी। पिंकी, इंस्पेक्टर ही क्यों? क्योंकि वही याद आ रहा था अभी। वेरी गुड पिंकी। जितने आपके करियर ऑप्शन है अभी मोनिश सर इसके लिए बताएंगे, तो अभी यहाँ बैठिए, क्लैप करो भाई इनके लिए। और कोई? पुलिस, डॉक्टर, सिंगर के अलावा और कोई? हाँ जी बोलिए। बेटा आपका नाम क्या है? निधि मौर्य। हाँ निधि, बताओ क्या बनना चाहते हो? पायलट। पायलट, वेरी गुड। क्यों? क्योंकि सर हमारे भारतीय, हमारे बलिया जिले में कोई पायलट नहीं है ना गर्ल्स, इसीलिए। अच्छा, बलिया जिले में कोई गर्ल्स पायलट नहीं, इसलिए। अरे बहुत अच्छी बात है, ताली बजाओ भाई। ठीक है, आपका भी ऑप्शन हो गया।
तो अब देखो मैं पांच कुल ऑप्शन लेना चाहता था, एक सिंगर हो गया, पुलिस हो गया, डॉक्टर हो गया, पायलट हो गया, एक और कोई बता दो इसके अलावा। हाँ बेटा, आपका नाम क्या है? हर्षिता शर्मा। कौन सी क्लास में हो? टेंथ। टेंथ में हो? बताओ साहब क्या बनना चाहते हो? मैं एक अध्यापिका बनना चाहती हूँ। वेरी गुड, क्यों? समाज को शिक्षित करने के लिए। कौन से विषय की अध्यापिका बनना है आपको? मैं एक बायो की अध्यापिका बनना चाहती हूँ। कौन सी क्लास के बच्चों को? सर पे बायो। बेटा कौन सी क्लास के बच्चे लेंगे? बड़े ही बच्चे लेंगे ना? बायो और हिंदी के बनना चाहती हूँ, छोटो जैसे 5, 8, 6, 7 इसने क्लास। अच्छा, प्राइमरी स्कूल के टीचर बनना चाहते हो, बहुत बढ़िया, क्लैपिंग करो हम लोग बहन के लिए। तो क्योंकि टाइम कम है हम फटाफट समाप्त करते हैं, हमारे पास पांच ऑप्शन आए, सिंगर, डॉक्टर, टीचर, पुलिस और पायलट। अब मोनी सर आएंगे, इसके बारे में बताएंगे आपको, और फिर उसके बाद हम लोग जो भी आपके सवाल होंगे 10 मिनट में लेके फिर उसको आगे कंटिन्यू कैसे करेंगे ऑनलाइन। किसी को कोई सवाल आएगा वेबसाइट पे आके सवाल पूछ सकता है हमसे, अदरवाइज हम आते रहेंगे, है ना। लोग क्या बनना चाहते हैं? डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस, सिंगर, सबने बताया। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। लाइफ में एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको अपना डिसीजन खुद लेना पड़ेगा, तो क्यों ना अभी से, क्यों ना अभी से, क्यों हम इंतजार करें कि जब हम पता नहीं कब बड़े हो जाएंगे। ग्रो अप, आप लोग छोटे बच्चे नहीं हो कि आपको उंगली पकड़ के चलाना है, आप लोग बड़े हो चुके हो। अपने अंदर आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंस लेकर के आइए, ठीक है? बहुत जरूरी है। अकेले जाओगे तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं। बोल्ड, बी बोल्ड, ये मैंने एक बार और आप लोगों के साथ सिखाने का प्रयास किया था, डर के आगे जीत है कैंपेन हम लोगों ने कराया था, उसमें बताने का प्रयास किया था, है ना, जो बच्चे गए थे उसमें वो जानते होंगे, बी बोल्ड, ठीक है। यहाँ के बच्चों मैंने देखा कि वो डरे हुए होते हैं, किस बात का डर है ना। आप लोग अपने आप में अगर एक इंसान ठान ले, कोई भी आप में से कोई भी ठान ले तो वो कुछ भी कर सकता है ना। हमने इंदिरा गांधी का नाम सुना है ना, उन्होंने क्या किया था, कितना बड़ा काम किया था, पूरे देश में इमरजेंसी लगाई थी अपने एक डिसीजन के बल पे, लगाया था कि नहीं लगाया था? किसी ने कुछ नहीं किया, उन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया अपने एक डिसीजन के बल पर, चलाया ना। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे नाम है, आज के डेट में देखो पहली महिला IPS कौन है? किरण बेदी, वो आज के डेट में गवर्नर है पांडिचेरी की, पता है ना आपको, एक महिला ही तो है। ऐसे पता नहीं कितने नाम मिल जाएंगे, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, मायावती, है ना, वो एक अकेली महिला देखो इतने लोगों से मोर्चा लेती है, इतनी तमाम पार्टियों से लड़ती रहती हैं, लड़ती है ना, फिर अपनी आवाज को उठाती हैं, हम लोग भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हम देखो मौका, सुना आपने वर्ड मौका, कितना छोटा सा वर्ड है कि नहीं, दो वर्ड्स मौका, ये जितना छोटा शब्द है उतने ही कम समय के लिए जीवन में आता भी है। अगर आपने इसको पकड़ लिया तो आपका जीवन बदल सकता है, आपने छोड़ दिया तो आपका जीवन फिर भी बदल सकता है, बदलेगा दोनों कंडीशन में, उसमें पॉजिटिव भी बदलेगा, सकारात्मक बदलेगा, इसमें नकारात्मक बदलेगा, लेकिन बदलेगा दोनों में। हमको देखो आप लोग भी सपने होते हैं, है ना, हर एक बच्चा सपना देखता है कि मैं बड़ा होऊंगा या होऊंगी तो ये करूंगा, ऐसे करूंगा, अपने परिवार के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने समाज के लिए, देश के लिए। किसी भी छोटे बच्चे से पूछो तो क्या, तो देश के लिए ये करूंगा। जैसे वो बड़ा होते हैं, बड़े होते हैं, है ना, 12th पास करते हैं, कॉलेज की पढ़ाई से बाहर निकलते हैं, फिर क्या होता है, फिर ये होता है कि जो जीवन है ना, जीवन लाइफ, एक जोरदार तमाचा देते हैं उनके मुंह पे, लिटरली बता रहा हूँ, जोरदार तमाचा, फिर सारा देश, सारा समाज, सारी दुनियादारी धरी की धरी रह जाती है। या अपना देख लो, देश दुनिया समाज देखने वाले लोग हैं, मोदी जी देख लेंगे, राहुल गांधी देख लेंगे, मायावती, मुलायम सिंह, अखिलेश देख लेंगे, यही सोचते हैं अपना घर परिवार चला लो बस, अपना नहीं मतलब बाकियों का नहीं। ये जोश कहाँ चला जाता है, ये सपने कहाँ चले जाते हैं, शायद आप लोग कभी समझ में नहीं आए, लेकिन हम लोगों को समझ में आता है। रीजन एक ही है, अपॉर्चुनिटी, प्लेटफॉर्म हम लोग को नहीं मिलता है। अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ लो आप, ठीक है, अच्छे से नंबर लेके आ जाओ, लेकिन भविष्य 90% बच्चों का वही है जो आप देख रहे हो सबका, ज्यादा से ज्यादा क्या
ज़्यादा से ज़्यादा यही हो रहा है, मैं देख रहा हूँ इस सिनेरियो में कि 90% बच्चे 12th करते हैं, उसके बाद दादर में या किसी भी कॉलेज में बीए, बीएससी, बीकॉम तक कर लेते हैं। 90% की बात कर रहा हूँ, 10% की बात छोड़ दीजिए। बीए, बीएससी, बीकॉम करेंगे, कुछ लोग तैयारी करने किसी शहर में चले जाएंगे, कुछ लोगों की शादी वादी हो जाएगी, कुछ लोग अपना दुकानदारी में खेती में लग जाएंगे, यही चल रहा है सिनेरियो। कितने हमारे यहाँ से एथलीट निकल रहे हैं, स्पोर्ट्स मैन निकल रहे हैं सिकंदर फुबलिया से, कोई नाम बता दो जिसने बहुत अच्छा नेशनल लेवल पे खेला हो, स्टेट लेवल पे बहुत अच्छा प्रदर्शन किया हो, ओलंपिक तक गया हो, ओलंपिक तो बहुत दूर की बात है, किसी वर्ल्ड चैंपियनशिप में परफॉर्मेंस किया हो, जानते हो बलिया जिले में किसी का नाम? 17-18 साल के आप भी हो गए हो लगभग, नहीं जानते हैं। कितने लोग जानते हैं जिसने एम्स में, एम्स के परीक्षाओं में, डॉक्टर बनने की परीक्षाओं में अपना स्थान लाया हो, इंजीनियरिंग की परीक्षाओं में स्थान लाया हो, आईएएस आईपीएस बन के निकला हो, कोई बहुत अच्छा स्पेशल राजनेता है जिसने एकदम नाम कर दिया हो, ऐसा किया हो, बहुत बिरले देखने को मिलते हैं, एक दो 50-60-70 सालों में जिसने, जिसके नाम से बलिया आज भी जाना जाता है ना। आखिर ऐसा क्यों है, सिस्टम में क्या कमी है, क्या हम पढ़ाई नहीं करते हैं? पढ़ते हैं ना, नंबर भी अच्छे आते हैं आपसे पीछे, मेरे पास होने से लेकर के अभी तक उठा के देखो हजारों बच्चे पास हुए यहाँ से, है ना, सबके नंबर 80%, 75%, 70%। हम कहते हैं कि सिकंदरपुर बहुत डेवलप हो रहा है, बहुत तेजी से डेवलप हो रहा है, क्या डेवलप हो रहा है? यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में सड़कें, बिजली, पानी, ये सब बन रहा है, पुल बन रहा है इधर उधर, लेकिन क्या यहाँ के लोगों का, हमारे जो माता पिता हैं, जो आस पास गाँव के लोग हैं, यहाँ पे जो पढ़ाने वाले लोग हैं, ठीक है, या जो बच्चे हैं, क्या आपका मानसिक विकास हो रहा है? ये जानना बहुत जरूरी है। आप कहेंगे सर हम तो पढ़ते हैं, लेकिन हम क्या पढ़ते हैं? वो बातें पढ़ते हैं जो किसी ने आज से कई साल पहले लिख दिया था, वही हम रटते हैं, हम रटते हैं, है ना, और मार्क्स के लिए जान देते हैं, नंबर के लिए जान देने पे लगे हुए हैं ना, आज से नहीं, बचपन से देते हैं ना। जब क्लास वन में थे, क्लास टू में थे, क्लास थ्री में थे, तो सबको याद होगा कि कितनी पिटाई होती, कितने डांट सुनते थे नंबर के लिए, कक्षा में स्थान लाने के लिए सुनते थे। क्लास फाइव में बहुत ज्यादा, क्लास फाइव है, क्लास एट है, क्लास टेंथ है, 11th-12th के बच्चे, क्लास टेंथ है, बोर्ड है, अभी तो पता नहीं क्या दुनिया इधर उधर हो जाएगी नहीं नंबर लेके आए तो, ठीक है। लेकिन जरा एक बात आप मुझे बताइए सोच करके, हम सब लोग इतने बड़े हो गए, 9th-10th में आ गए, क्लास फाइव पास किए कितने साल हो गए? 5-7 साल हो गए। ईमानदारी से जिस क्लास फाइव में नंबर लाने के लिए हम लोग इतना डांट सुनते थे, इतनी मेहनत करते थे, जान देते थे, मम्मी पापा रोज डांटते थे हम लोगों को, उस क्लास फाइव का रिजल्ट जब मिला था, ठीक है, हम खुश हुए थे, देखे थे उसको, सबको दिखाए थे, लेकिन उस समय के बाद, उस दिन के बाद आज तक क्लास फाइव के रिजल्ट को हमने कितनी बार देखा है? सही बताओ, देखा है? अरे मेरे क्लास फाइव का रिजल्ट है, देखो कितना नंबर आया, बात समझ में आ रही है? तो ये है, मार्क्स और परसेंटेज एक कुछ निश्चित समय तक ही आपकी पहचान बनते हैं, उसके बाद आप खुद अपनी पहचान हो, आपकी बुद्धिमत्ता, आपका इंटेलिजेंट, आपकी नॉलेज, ठीक है। यहाँ पर एक बात बताना चाहूंगा, मार्क्स और नॉलेज यहाँ पर हम किस लिए आते हैं? पढ़ने के लिए। क्या मतलब सिर्फ पढ़ना ही उद्देश्य है? पढ़ के क्या करेंगे? कुछ बनेंगे जीवन में, क्या बनेंगे, क्या प्राप्त करने के लिए, क्या प्राप्त करने के लिए? सफलता, सफल होने के लिए, ये पॉइंट, अपना कैरियर बनाने के लिए, ठीक है। सफलता और कैरियर दो पॉइंट हैं, अब इस पे आएंगे। सफल होने के लिए, कैरियर बनाने के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। तीसरा फैक्टर है नंबर लाने के लिए भी पढ़ रहे हैं, तो क्या जरूरत है, आराम से घर बैठो बोर्ड का एग्जाम देने आ जाओ, घर बैठो, लेकिन नंबर भी लाना है, नकल तो हो नहीं रही है, तो नंबर भी लाना जरूरी है, ठीक है। अब देखते हैं कि नंबर कैसे आता है और नंबर की क्या महत्ता है, क्या इंपॉर्टेंस है नंबर्स की, मार्क्स की। सुन रहे सभी लोग? आर यू विथ मी? क्या आप लोग मेरे साथ हैं? ओके, देख लेंगे। तो एक उदाहरण देना चाहूंगा, किसके किसके घरों में गाय है, काउ, वेरी गुड, गाय या भैंस है ना, ठीक है। गाय भैंस हम लोग क्यों रखते हैं? दूध के लिए, है ना, दूध मिलता है, कई लोग दूध घर में खपाते हैं, जो बचता है तो बेच भी देते हैं, तो
तो दूध गाय रखने से ये फायदा होता है कि गाय की सेवा भी हो जाती है और दूध का पैसा बच भी जाता है, ठीक है। और कुछ लोग गाय रखते हैं कि दूध हमको बेचना है, उसे व्यापार करना है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, गाय का अच्छे से ध्यान रखते हैं, अच्छी अच्छी चीजें खिलाते हैं, वो बीमार ना पड़े, उसको सुबह शाम बढ़िया सीजन रखते हैं ना अच्छे से, तो क्या करता है गाय दूध देती है, जितना बढ़िया खाना खाएगी, जितने बढ़िया विटामिन्स मिलेंगे, जितनी अच्छी घास खाएगी, उतना उसका दूध की क्वालिटी बढ़ेगी, राइट। ये पॉइंट एग्री है, ठीक है। दूध बेच के पैसा कमाना ये एक काम हो गया, ये हो गया प्राइमरी, प्राइमरी समझते हैं, प्राथमिक। गाय का प्राथमिक उद्देश्य क्या हो गया, दूध देना, ठीक है। उसके अलावा दूध बेचने के अलावा कुछ काम और भी गाय करती है, सब लोग पैसा कमाते हैं, वो क्या है, कुछ और भी देती है, गोबर, राइट, गोबर देती है, तो गोबर देके भी कई लोग उसका उपला बनाते हैं, कई लोग खाद बनाते हैं, कई लोग गैस बनाते हैं, गोबर गैस बायोगैस प्लांट में, वो भी बहुत महंगी बिकती है, पता है, कई लोगों ने प्लांट लगाया हुआ, यहाँ पे तो नहीं चला है, लेकिन दिल्ली हरियाणा में देखा है मैंने, पंजाब में लोग जिनके पास 100-100 गाय हैं, डेली क्विंटल्स में गोबर निकल रहा है, उसका प्लांट लगा दिए हैं और गैस बेचते हैं, ठीक है, तो वो भी एक जरिया हो गया। लेकिन सोर्स ऑफ इनकम गोबर भी हो गया, प्राइमरी क्या है, मिल्क, गोबर क्या हो गया, सेकेंडरी, ठीक है। हम गाय को अच्छा ना खिलाएं तो गाय अच्छा दूध नहीं देगी, लेकिन गोबर तो देगी ही, गोबर देना गाय का धर्म है ना, ओके। अब समझते हैं इसको, हम लोग रिलेट करते हैं अपने पढ़ाई से, ठीक है। जिस तरीके से गाय से दूध लेने के लिए अच्छा खाना खिलाना जरूरी है ना, अच्छी तरह से ध्यान रखना जरूरी है, उसी तरीके से अपने आप को अच्छी नॉलेज प्राप्त करने के लिए अच्छी अच्छी चीजें सीखना जरूरी है, अच्छी बातें जानना जरूरी है, किताब में जो लिखा है उसको पढ़ना जरूरी है, अच्छा नॉलेज, नॉलेज की बात करें तो नॉलेज हमारे स्टूडेंट लाइफ में क्या हो गया, प्राइमरी, प्राइमरी मुख्य उद्देश्य क्या हो गया, नॉलेज, मुख्य उद्देश्य क्या हो गया, मेन ऑब्जेक्टिव इज नॉलेज, प्राइमरी, ठीक है। अब जब नॉलेज आएगा, अच्छी अच्छी बातें यहां भरेंगे, ठीक है, दिमाग में इधर से इधर से, उसके लिए क्या होता है कि दिमाग का खाली होना भी बहुत जरूरी है, जरूरी है कि नहीं, हमारा दिमाग खाली ही नहीं है, हम घर बैठे हैं पढ़ने के लिए, दिमाग में ख्याल आ रहा है कि स्कूल में आज इसने ये बोला था, टीचर ने ये बोला था, कल वहां जाना है, आता है, तो दिमाग का खाली होना भी जरूरी है। वो खाली कैसे करना है वो हम लोग बता देंगे आपको बाद में फिर, है ना, अगर मौका मिले तो अभी थोड़ा सा बताऊंगा, नहीं तो बाद में। दूसरा है सेकेंडरी स्टूडेंट लाइफ में, वो क्या है, अगर नॉलेज आएगा, अच्छी बातें दिमाग में जाएंगी, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव पूरा हुआ, नॉलेज मिली, तो एग्जाम में बैठ के लिखने में कोई दिक्कत होगी, यानी कि मार्क्स अपने आप आएंगे, सेकेंडरी मार्क्स, मार्क्स अपने आप आएगा कि नहीं आएगा, क्लियर है ना, ठीक है। तो हमको अपना फोकस रखना है दूध के ऊपर, यानी कि नॉलेज के ऊपर, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव पर, ना कि गोबर के ऊपर, व्हाट इज गोबर, मार्क्स, वो आ जाएंगे, आपको मेहनत नॉलेज पे करना है, हम लोग रट्टा नहीं मारेंगे, रट्टाफिकेशन वाला काम नहीं करना, लर्न समझना है चीजों को, ठीक है, अपने माइंड को खोलना है, न्यूज सुनिए, अच्छी बातें सुनिए, न्यूज पेपर पढ़िए, ठीक है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, नेचर से सीखिए, नेचर समझते हैं, प्रकृति, प्रकृति से अच्छा अध्यापक आपको जीवन में कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है, प्रकृति, एक छोटा बच्चा भी प्रकृति का पार्ट है, कहता ना छोटा बच्चा भगवान है, छोटा बच्चा वो बहुत कुछ सिखाता है प्रकृति से। हम लोग देखो चींटी, एक चींटी को देखो ध्यान से, अपने वजन से कई गुना लेकर के चलती है ना, उससे भी सीख सकते हैं। कभी बारिश हो रही है तो उसको आराम से देखो, तो हम लोग पता नहीं कौन से भाग दौड़ में लगे हुए हैं, भाग रहे हैं, है ना, भाग दौड़ लगे हुए, सुबह से लेकर शाम तक देखो जरा, सब लोग भाग रहे हैं, आपके मम्मी पापा भी भाग रहे हैं, पता नहीं कहाँ जाना है, जीवन में स्थिरता नहीं है, उस स्थिरता को बनाए रखना है, सुकून से काम को करना है, फोकस कंसंट्रेशन बनाए रखना है। फोकस कंसंट्रेशन की जब मैं बात करता हूँ ध्यान और एकाग्रता की, इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ पढ़ाई में ध्यान कर, जीवन में कैसे, कई बार देखते हैं कि साइकिल से चलते हुए कोई किसी को ठोक दिया,
ध्यान और एकाग्रता की कमी है वहां पर। चलते चलते लड़खड़ा गए, नीचे ब्रेकर बना है, पता नहीं चला, उसमें लड़ गए, गिर गए। ध्यान एकाग्रता की कमी है। घर में दरवाजा खोला, घुसे, बैठे, चोट लग गए यहाँ पर। ध्यान एकाग्रता की कमी है ना। कोई सामान कहीं रख के भूल गए, ध्यान एकाग्रता की कमी है ना। तो ध्यान और एकाग्रता, कहता ना ध्यान से करो, ध्यान से करो, ध्यान से करो। अपने माइंड को, दिमाग को स्थिर रखेंगे तो ध्यान अपने आप चीजों में लगेगा। बी इन द प्रेजेंट मोमेंट, प्रेजेंट मोमेंट समझते हैं, प्रेजेंट में रहिए, ना कि भूत का सोचना है, ना कि भविष्य का सोचना है। प्रेजेंट में रहेंगे तो आपका भूत का तो कुछ नहीं हो सकता है, पास्ट का कुछ हो सकता है क्या? नथिंग। पास्ट में हम लोग कोई हेर फेर नहीं कर सकते हैं, प्रेजेंट हमारे हाथ में है। भविष्य में हम जा सकते हैं क्या? आपको अगले सेकेंड का नहीं पता है क्या होने वाला है, कौन नहीं जानता है अगले सेकंड में क्या होगा, कोई नहीं जानता है। लेकिन फिर भी हम सोचते हैं आज से 50 साल बाद का, ठीक है, वो भी जरूरी है, कैसे बताऊंगा। लेकिन फिलहाल हमारे हाथ में क्या है? वर्तमान। ये क्षण, ये बीत गया, दोबारा आएगा नहीं आएगा ना, दिस मोमेंट। ये क्षण आएगा नहीं आएगा, इस पर ध्यान रखना है। देखो आगे हम लोग बहुत सारी बातें ऐसे जानने के लिए हम लोग टाइम टाइम पे आते भी रहेंगे। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है? या बस मैं ऐसे बोल रहा हूँ? बहुत कुछ है आपको बताने के लिए। मैं चाहता हूँ ये सब यहाँ पे करने का। देखो ये दिल्ली से आए हैं, इनके ऐसे कम से कम 10 लोग यहाँ पर आ चुके हैं। लगभग हर स्कूल, कोई भी ऐसा स्कूल सिकंदरपुर का नाम ले लो जहाँ पर हम लोग नहीं गए हैं अपनी टीम लेकर के। गांधी कॉलेज में अभी आए हैं, ज्ञान कुंज, एलएन, गंगोत्री, चंदाइज, आरएसएस गुरुकुल, इनक्रेडिबल, सरस्वती शिशु मंदिर, आइडियल, ऐसा कोई भी स्कूल नहीं है सिकंदरपुर शहर की बात कर रहा हूँ जहाँ पर हम लोग नहीं गए हैं। उसके अलावा बलिया भी हम लोग जा रहे हैं, बनारस जा रहे हैं, कानपुर, दिल्ली में बहुत सारा काम किया हम लोगों ने, छत्तीसगढ़ में, पंजाब में, राजस्थान में। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य बस यही है कि जो हमारी जनरेशन है वो थोड़ी अच्छी हो जाए। हम यहाँ पर अगर 150 बच्चे बैठे हैं, अगर इसमें से ज़्यादा नहीं 10% 15 बच्चों को मेरी बातें, हमारी बातें समझ में आ गई ना, उन्होंने अपने जीवन को सुधार लिया, तो हमारा जीवन धन्य। बस ये उद्देश्य है, ठीक है। तो आपको इस पे फोकस करना है, बातों को सीखना है। 2-3 बातें और, स्पीक आउट सॉल्यूशंस है, आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा यूट्यूब सब चलाते हैं। देखो चलाना है लेकिन एक दायरे में। ये जो गैजेट है ना मोबाइल फोन, जब तक आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तब तक वो ठीक है, लेकिन जिस दिन इसने आपका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, खेल खत्म। सर मेरा नाम अंजलि है। अंजलि के जोड़ा तालियां। कौन सी क्लास में अंजलि आप? सर मैं क्लास 10th में। 10th में। आप बताइए कि आपको क्या लगता है, आप सफल अपने जीवन में अपने आप को अभी क्यों मानती हैं? सर हम लोग ऐसे तो बहुत सफल हैं क्योंकि बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जिन्हें भी मतलब पढ़ाई का मौका नहीं दिया जाता है। वेरी गुड, सही बात है कि नहीं? कितने लोग तो आते हैं स्कूल में लेकिन उन लोगों को घर पढ़ने का मौका नहीं मिलता। हम लोग को पढ़ने का मौका मिलता है। कितने लोग हैं जो मतलब बस कॉलेज की पढ़ाई पे रह जाते हैं और मतलब कोचिंग की पढ़ाई नहीं मिल पाती, हम लोग को मिलती है, ऐसे भी हम लोग सब। थैंक यू, थैंक यू अंजलि। और कौन था? सकती है तो हम लोग पढ़ना है तो हमको समझना चाहिए कि हम लोग सफल हैं तो हैं। बहुत अच्छी बात है, आपको पढ़ाई का मौका मिल रहा है तो आप सफल हैं। बैठिए, थैंक यू। क्या हम सफल हैं सड़कों पर? भारत की सड़कों पर हम सही सलामत चल रहे हैं, हम सफल हैं कि नहीं है? किसी ने हमको ठोका नहीं आ करके, किसी ट्रक वाले ने, किसी गाड़ी वाले ने, हम सफल हैं। तो मन में ये विश्वास रखना है और जो भी आप बनना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, सर को बताया आपको क्या करना है कि इसके डीप में जाना है। डॉक्टर का मतलब सिर्फ सफेद कोट पहन लेना डॉक्टर नहीं होता है, 4-5 डिग्रियां होती हैं, MBBS, BHMS, BUMS, BAMS, MDMS, ये डिग्रियां ही डॉक्टर हैं, ठीक है, ना कि कोई भी सफेद कोट पहन के बाद डॉक्टर नहीं है। मेडिकल लाइन बहुत वास्ट है, इंजीनियरिंग की लाइन बहुत वास्ट है, साइक्रो इंजीनियरिंग के कोर्सेज हैं, हमको नहीं पता है, टीचर, स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स में बहुत कुछ कर सकते हैं, पॉलिटिक्स में बहुत कुछ कर सकते हैं, अपना व्यापार, अपना बिजनेस। आपको पता है बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो अरबों करोड़ों की मालिक हैं आज के डेट में अपना व्यापार करके। आप लोग देखो तो सही, सब दिखेगा, अखबारों में ढूंढो, ऐसे खबरें पढ़ो, आपको प्रेरणा मिलेगी। बहुत सारी चीजें हैं जहां हम जा सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप
आपने क्या सीखा बताओ, अपना नाम बताइए, आपने क्या सीखा? मेरा नाम हर्षिता शर्मा है। आपने क्या सीखा? हमने बहुत कुछ सीखा। एक एक वर्ड बताओ, क्या सीखा सबसे ज़्यादा जरूरी जो है? हमने सीखा कि लाइफ में क्या बनना चाहिए, क्या और कैसे करना चाहिए, हम लोग जीवन में जो कुछ बनना चाहिए वो सब। अपना नाम बताइए। सर मेरा नाम अंजलि है। क्या सीखा आपने? सर ऐसे तो हम लोग आए और ये स्पीक आउट सोल्यूशन के बारे में आप लोग सभी लोग ने, मतलब आप दोनों लोगों ने ये बताया कि मतलब हम लोग को अगर जीवन में कुछ भी बनना है तो वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। कुछ भी बनना चाहिए तो मतलब क्या, ये एम बनाना चाहिए, ये योजना बनाना चाहिए, और कुछ भी बनने से पहले धीरे धीरे कदम बढ़ाना चाहिए और अपने जीवन में निरंतर परिश्रम करता रहना चाहिए। ऑल द बेस्ट आपको। और आप बताओ, आपने अपना नाम बताइए, क्या सीखा आपने ये बताइए। सर मेरा नाम निधि मौर्य है। मैंने ये सीखा कि लाइफ में किसी से डरना नहीं चाहिए, अगर अपने अगर आगे बढ़ना है तो पहले किसी से डरना, जैसे आप फ्रेंड के बारे में बताए, बोल्ड बनना है, कॉन्फिडेंट बनना है। तो आप बताइए अपना नाम और क्या सीखा। हमने भी बहुत कुछ सीखा, अपने लाइफ में कैसे सफलता हासिल करनी चाहिए या किस चीज़ को कैसे। पहले कभी ऐसा कोई प्रोग्राम यहाँ पर हुआ? नहीं नहीं कभी नहीं। आज आप लोगों को सब एक साथ बताओ, आज आप लोगों को यहाँ पर आज पहली बार हुआ है, पहली बार ऐसा हुआ है। अच्छा लगा आप लोगों को? बहुत अच्छा लगा। और ये सब हम लोग को सुनकर मतलब बहुत अच्छी जानकारी भी मिली और हम लोग इससे बहुत खुश हैं, और फिर से आप लोग को आने के लिए फिर से खुदा से दुआ भी करें। थैंक यू सो मच। देखो मैं कभी मैं चाहूँगा कि यहाँ पे आता रहूँ। अगर आपके स्कूल के लोग, आपके प्रिंसिपल, आप लोग रिक्वेस्ट करिए कि सर समय समय पर महीने में एक बार अगर मौका देते हैं तो हम लोग बहुत सारी बातें कर सकते हैं। ठीक है, महीने में नहीं तो कम से कम दो चार महीने में एक बार। हर महीने आए।